नमस्कार दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने में जा रहा हूँ। 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के। आज हम 31 अक्टूबर को आ गए हैं, लगभग 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिनों में अब तक जिस राज्य में बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन में बहुत आसानी से बहुमत हासिल किया, वहाँ पर सरकार नहीं बन पा रही है। और बीते 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे, दिवाली के दिन से लेकर आज तक लगातार बयानबाजी दोनों तरफों से हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन था बीजेपी शिवसेना का, वो मिसमैच था। वो शायद मजबूरी में किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से, चाहे शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे पर अपनी मनमानी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत शिवसेना ने की ये कहते हुए कि 50-50 का फॉर्मूला बनाइए, यानी 2.5-2.5 साल का पोर्टफोलियो होगा एक सीएम का और पहला सीएम शिवसेना का होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पार्टी के 56 विधायक हो शिवसेना के और बीजेपी के 105 विधायक हो, ऐसी स्थिति में बीजेपी क्यों शिवसेना की बात मानेगी? जबकि बीजेपी का सिटिंग एमपी है देवेंद्र फडणवीस, जिसने 5 साल सरकार चलाई है, तो जाहिर तौर पर शिवसेना की ये जो मांग थी थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, थोड़ी सी मनमानी दिख रही थी। शिवसेना, मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 फॉर्मूले की बार बार बात कर या दुष्यंत चौटाला का नाम लेकर कि किसी का बाप यहाँ पर जेल में नहीं है जो कि हरियाणा में हुआ, वो बात कर या ये कहकर कि कोई हमको बच्चा ना समझे, ये बात कहकर जो संजय राउत साहब कहते हैं, जो सामना के संपादकीय में बीते 4-5 दिनों से लिखा जा रहा है, शरद पवार की तारीफ की जा रही है, इन तमाम शगुफों से दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना बीजेपी लीडरशिप पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि अच्छे पोर्टफोलियोज कम से कम उसको मिल जाए। वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 105 एक के हैं, 56 एक के हैं, अगर आप दो जोड़ें तो बहुत आसानी से 161 हो जाते हैं। 145 पे सरकार बननी है, ऐसे में ये सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर क्योंकि एक दूसरे की बाहें मरोड़नी है, एक दूसरे की कलाइयां मरोड़नी है, अपने मन की बात मनवानी है, ये बीजेपी शिवसेना ने जब से बाला साहब ठाकरे गए हैं और उसके बाद जब से उनका स्वर्गवास हुआ है, तब से ये नोकझोंक चल रही है। शिवसेना जो सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में हुआ करती थी, वह बीजेपी की जूनियर पार्टनर बन गई है, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है। और इस बात से भी शिवसेना इनकार नहीं कर सकती कि अगर आज की तारीख में लोकसभा में नरेंद्र मोदी को 303 सीटें आई हैं, तो मोदी और बीजेपी के करिश्मे की वजह से आई हैं, शिवसेना की वजह से नहीं आई हैं। तो ये तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये गठबंधन बनेगा, ये नाक नोकझोंक चलती रहेगी, सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास होते रहेंगे। बीते 5 साल में भी राफेल के मामले पर जितनी लड़ाई विपक्ष या राहुल गांधी ने लड़ी, उससे कहीं कड़ी लड़ाई, कहीं कड़े बयान सामना के संपादकीय में लिखे गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ। तो ये दिखाता है कि शिवसेना सत्ता में रहकर भी विपक्ष के स्पेस को घेरना चाहती है, शिवसेना अपने रेलिवेंस को बना के रखना चाहती है, शिवसेना अपने काडर को, अपने शिवसैनिकों को ये साबित करना चाहती है कि हमने नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर व्यक्तित्व की नाक में नकेल डाली हुई है। ये शिवसेना का स्वभाव रहा है, लड़ाई का, झगड़े का, एग्रेसिव होने का, उग्र राजनीति जिसको कहते हैं। शिवसेना उसी फॉर्मूले पर लौटकर अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहती है, और क्यों ना करें। शिवसेना के बिहाफ पर अगर आप सोचेंगे तो ये बात बिल्कुल जायज है कि जिस पार्टी के अगुआ परिवार का पहली बार कोई सदस्य चुनाव लड़ा, आदित्य ठाकरे वर्ली में चुनाव जीता करीब 80-90 हज़ार वोटों से, उस पार्टी को ये क्यों नहीं अधिकार है कि वो अपनी पार्टी को अपने कम से कम राज्यों में, अपने सूबे में पॉपुलराइज करे, अपने वोट बैंक को बढ़ाए, आदित्य ठाकरे को मजबूत करे, ताकि आने वाले वक्त में जब चुनाव हो, अभी आदित्य ठाकरे यंग हैं, आज नहीं तो 5 साल के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे, तब आदित्य ठाकरे को एक मजबूत केंद्रीय, एक मजबूत नेता के तौर पर पार्टी लॉन्च कर सके। तो ये जमीन तैयार की जा रही है शिवसेना के सैनिकों के द्वारा ठाकरे परिवार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए, कि आने वाले वक्त में आदित्य जो हैं वो एक बड़े नेता के तौर पर देश में दिखाई दे, जो सीधे नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ फेस टू फेस बातचीत कर सके, जो स्कोप अभी उद्धव ठाकरे ने ले रखा है पर्दे के पीछे रहकर, क्योंकि वही बातचीत करते हैं अमित शाह से, उस स्पेस को आदित्य ठाकरे के लिए तैयारी की जा रही है जमाने की। तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी इस बीजेपी सेना के, मुझे नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता कि एक एनसीपी पार्टी ऐसी है जिसके पास 56-57-58 विधायक उसके भी जीत कर आए हैं, और ऐसे में एक भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, अगर उनके बीच आपस में तनाव हुआ,
दरार पड़ी, दुराव हुआ, तो एनसीपी किसी के भी साथ मिलकर किसी और की सरकार बना सकती है। एनसीपी कांग्रेस मिल जाएंगे तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बन जाएगा, और एनसीपी एब्सटेन भी अगर हो जाएगी तो बीजेपी के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए सदन में बहुमत साबित करना काफ़ी आसान हो जाएगा। उनको केवल 10-12 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी, जो कि इंडिपेंडेंट से पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में दोनों पार्टियां जानती हैं कि शिवसेना और बीजेपी दोनों जानती है कि एनसीपी दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। शरद पवार के पास कुंजी है, इस चुनाव के हीरो शरद पवार हैं, जिस तरीके से एनसीपी ने कमबैक किया है। और तीसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में आ गई है। इन परिस्थितियों में ये बात मैं कह सकता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये केवल एक दूसरे को बाहें मरोड़कर पॉइंट स्कोर करने की बात चल रही है। आदित्य ठाकरे मेरी नज़रिए में अभी शिवसेना के, हो सकता है कि जो बैठक चल रही है विधायक दल की, उसमें नेता चुने जाएं और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हो जाएं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि जो व्यक्ति महाराष्ट्र विधानसभा में, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनता है, वो आज तक के इतिहास में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो क्या ये बात उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को रोकेगी? ये एक बेहद दिलचस्प चीज़ होगी आने वाले वक्त में देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।